हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। आज हम बनाएंगे दिल्ली की फेमस मोट कचौरी, और ये इतनी टेस्टी होती है कि उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे आप। तो ये मैंने मोट की दाल को भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए, और अब मैं इसको बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च या अदरक कटा हुआ बारीक, और ये प्याज जो ऊपर से चाट के ऊपर डालकर खाई जाएगी। इसमें प्याज का तड़का नहीं लगेगा। हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च, जीरा, हींग, जो रेगुलर मसाले होते हैं वो, और चाट मसाला, स्पेशल कोई भी मसाले नहीं पड़ते। तो पहले हम मोट कचौरी के लिए आटा लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा आटा और थोड़ी सूजी बराबर बराबर मात्रा में ली है, दोनों की क्वांटिटी बराबर थी, और इसमें डाला मैंने देसी घी और नमक। अब इसको मैं अच्छे से मिलाकर अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको मिला करके फिर मैं इसका एक डो तैयार करूंगी, जो ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा पतला, पूरी जैसा रखना है। और चाहें तो इसमें आप लोग बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे ये खस्ता हो जाए, क्योंकि इसको हम बहुत धीमी फ्लेम पर फ्राई करते हैं करारी करने के लिए। ये मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, और इससे क्या होगा, इसमें एक अलग अच्छा टेस्ट आएगा। चाहें तो गुनगुना पानी डालें, दूध ना डालें, ये अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो अब मैं ये आटा लगा रही हूँ, और इसको अच्छे से हमें मैश करना है। जितना अच्छा हम आटा लगा कर रखेंगे, उतना अच्छा ये इसकी कचौरियाँ आएंगी। तो ये कचौरियाँ स्टफ नहीं होती हैं, सिर्फ मोटी मोटी बेल कर और बहुत स्लो फ्लेम पर उनको तला जाता है। आटे को हमें बहुत अच्छे से मलना है, खूब गूंद गूंद कर मलना है, जिससे कि उसके अंदर सारे घी दूध अच्छे से मिल जाए, और फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे। तो इन कचौड़ियों को बनाने के लिए हम स्टफिंग तैयार नहीं करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में पान तेल चढ़ा दिया है, और तेल की खुशबू निकल जाए उसके लिए मैं इसमें आपको एक टिप्स बताती हूँ कि गोले का एक टुकड़ा डाल दीजिए, जब वो काला हो जाए तो बाहर निकाल लीजिए, फिर उसकी बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, उसका महक नहीं आएगी तेल की, और वो घी जैसा टेस्ट देगा। अब ये मैं सारी लोइयाँ बनाकर और बेल कर रख लूँगी, और फिर इनको बहुत स्लो फ्लेम पर सेकूंगी। ये हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, ज़्यादा पतली नहीं रखनी, इस तरह से इनको बेल बेल कर मैं सबको इकट्ठा रख लिया। अब मैं इनको सेकूंगी। अगर ये फूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इनको फुलाना नहीं है। लेकिन फूल जाएंगी तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फूल जाए। तैयार करेंगे तो ये मैंने 3 मिर्च ली और इनको बीच में से चीर दिया, और हम इनको थोड़ा सा सेकेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। और अब इनको इसमें से हम निकाल लेंगे, और इन मिर्च के बीच में ये देखिए तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें। हम इनके बीच में रखेंगे अब चाट मसाला, और ये बहुत ही टेस्टी मिर्च लगे। आप इनको छोले के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी घर में रेगुलर बना के रख सकते हैं। ये हमारी मोट की तैयार हो गई कचौरियाँ, और अब हम मोट की दाल बनाएंगे। तो मोट की दाल को हमें
छोंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं इसलिए छोंक रही हूँ क्योंकि हस्बैंड रोटी खाते हैं, वो ये पूड़ियाँ नहीं खाएंगे, कचौरियाँ, इसलिए मैं इसको दाल को तड़का लगा रही हूँ। वरना तो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं कि इसमें भुना जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक को हम ऐसे ही मोठ के अंदर डाल देते हैं और फिर ऊपर से नींबू डालकर चटनी के साथ फिर ये मोठ कचौरी को हम खाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ छोंक लगाकर, एक ही बात है, ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने हींग जीरा डाला, अदरक डाला है और दाल को हमें ओवर कुक नहीं करनी, दाल मैसी मैसी नहीं रख करनी है, खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। दाल का सारा पानी यूज़ नहीं करना, जो पानी एक्स्ट्रा होगा उसे हम निकाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और जब तक मेरे वो टमाटर भुन रहे हैं तब तक मैं ये मिर्च में मसाला भर दूंगी। ये सिर्फ चाट मसाला है और ये मिर्च के अंदर इस तरह से हमने भर देना है। तो ये मिर्च इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप अगर खाली रोटी पराठा के साथ ऐसे भी मिर्च खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेंगी और ये एक हफ्ते तक ख़राब भी नहीं होती हैं। आप इन्हें बनाकर एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। और ये मोठ कचौरी के साथ नहीं, आप कैसे भी खा सकते हैं, पराठा रोटी के साथ भी खाने में, लंच में इनको खा सकते हैं। बस मिर्च को काटिए, फ्राई कीजिए और इनके अंदर चाट मसाला रख लीजिए। तो ये मिर्च तैयार हो गई और ये चाट मसाला जो बचा है ये आगे काम आने वाला है, कचौड़ी में डालेंगे। इधर ये हमारे टमाटर पक रहे हैं और ये टमाटर हमें अच्छे से पकाने नहीं हैं, गलाने नहीं हैं, थोड़े खड़े खड़े रखने हैं, क्योंकि इनको तो वैसे भी हमें ऊपर से भी डाल के खाते हैं मोठ की दाल में, इसलिए हम इनको थोड़ा सा पकाएंगे। हस्बैंड रोटी खाएंगे इस वजह से मैं पका रही हूँ। तो ये मेरी दाल का तड़का तैयार हो रहा है, अब इसमें से डालेंगे मोठ। ये देखिए, हमें मोठ को इस तरह से रखना है, ये मैसी मैसी नहीं होनी चाहिए, ओवर कुक नहीं करनी। और जब हम कचौरी असेंबल करेंगे इसके साथ तो ये दिखनी चाहिए कि दाल है। ये देखिए, मैंने दाल को उसमें डाल दिया था और अब मैं कचौड़ी असेंबल कर रही हूँ। तो आप इनको इस तरह से तोड़कर फिर खा सकते हैं, नहीं तो पहले प्लेट में दाल डालिए, ऊपर से उसमें फिर कचौड़ी तोड़कर डालिए। मतलब असेंबल आपको अपने टेस्ट के अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। ये मैंने दाल डाल दी, ये मोठ की दाल है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में बहुत खाई जाती है। ये काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और ये है काली मिर्च, भुना जीरा और ये वाली मिर्च, ये हम सब मिलाकर उसके ऊपर डाल देंगे जो हमने कचौड़ी असेंबल करी थी। इस तरह से इसको हम उसके ऊपर डाल देंगे, दाल के ऊपर। फिर गार्निश के लिए अदरक, धनिया और आप प्याज के शौकीन हैं तो प्याज, मूली का लच्छा, हरी चटनी डालकर सर्व करेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी स्नैक है, ऊपर से नींबू भी निचोड़ेंगे। आप इसे खाएंगे तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है। ये देखिए इस तरह से। और अगर पीले थोड़े से चावल बना लेते हैं तो इसके ऊपर दिल्ली में चावल डालकर भी देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।